Hi everyone, I am Dr. S. M. Raju. पीनट पेस्ट ये सदगुरु जी का रेसिपी है एंड उसमें मैं वो हनी बताया है टेस्ट के लिए, लेकिन हनी हमको मंशा है 99% अडल्ट्रेटेड है, इसलिए प्योर हनी मिलना मुश्किल है। एंड प्लस स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के लिए मैं एडवोकेट करता हूँ, उसमें एसिडिक नेचर नहीं आना है, इसलिए मैं इसमें डेट्स इनकलकेट किया है, खजूर। सो इसमें क्या है कि फर्स्टली व्हाट इज द वैल्यू, इट्स अ ईजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन एंड इट विल मेंटेन अल्कलाइन नेचर इन द बॉडी। सेकेंडली फॉर कैंसर पेशेंट्स मैं 100% अनकुक्ड में मोटिवेट करता हूँ, व्हाट आई एम कॉलिंग मंकी डाइट, बिकॉज जो भी पेशेंट्स हमारे पास में आता है सब थर्ड एंड फोर्थ स्टेज का है, 3 महीना 6 महीने तक ही रहेगा ऐसा जो डॉक्टर्स बोलने के बाद में ऐसा लोग आता है। एंड कुछ लोगों की वो जाने के लिए इच्छा नहीं, कुछ लोग साथ साथ में लेना चाहता है, और उन लोगों के लिए मैं पीनट फूड जो सदगुरु जी डिफाइन किया है उसको मैं एडवोकेट करता हूँ। और ये खाए तो एक मुष्टी जो अंकुरित मूंगफली है उसको 3 टेबल स्पून ये कर तो एक मुष्टी होता है, उसमें एक बड़ा केला है या छोटा वाला 2 केला है, 2 डेट्स है खजूर, इसको पेस्ट करना है, इसको खाना है, पॉरिज जैसे लगता है। आप इमेजिन कीजिए उसको खाए तो 6 से 7 घंटा भूख नहीं लगता है। जब सदगुरु जी कहा हम हमारा बॉडी में मैं टेस्ट किया थोड़ा स्लिम डाउन होने में और उसको ये करने में, यू कांट इमेजिन सच ए पावरफुल फूड दैट इज, वो भी अंकुरित हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सोक्ड भी ओके, सोक्ड 8 घंटे में सोकिंग हो जाता है, रात में पानी में डाले तो सुबह, नहीं तो 24 घंटा पानी में डुबाना मूंगफली को, उसके बाद में निकाल करके कपड़े में टाइट करके बाहर रख देना, 12-13 घंटे में अंकुरित हो जाता है, देन फ्रिज में रख करके जब जब जरूरत पड़ता है उस समय पर आप यूज कर सकता है। कैंसर पेशेंट 3 बार लिए तो ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर कभी उन लोगों को मन ही नहीं लगेगा खाना खाने में। सो इस तरह से ये पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी बिल्डर भी ले सकता है, हेल्थी पर्सन भी ले सकता है, और जो आदमी वेट कम करने के लिए वो भी इसको यूज कर सकता है। इसमें ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह उतना नहीं है, रिच इन प्रोटीन। थैंक यू।